क्या किसी के प्यार ने आपको जीने का एक बहाना दे दिया है? क्या किसी के प्यार ने आपको जीना सिखा दिया है और उसका ख्याल आपके दिमाग से ज़्यादा नहीं है और आप जानने की कोशिश करना चाहते हो कि क्या उसके दिमाग में भी आप छाए रहते हो या नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के? सो चलिए जान लेते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए जान लेते हैं क्या आ रही हैं आपकी फीलिंग्स, पहले देखते हैं फिर दूसरे डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है, राइट? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ फ्रॉड से बचिएगा। हम कोई मैसेजेस किसी को नहीं करते हैं, ना ही कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी को भी। सो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, ओके? सो अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो डेफिनेटली कोई तो भी फेक आईडीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी फीलिंग्स। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के दिल में। सो पहले आपकी फीलिंग्स ले लेते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है और आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट कार्ड, ओके। सो आपकी फीलिंग सबसे पहले यहाँ निकल के आई है लवर्स की, ओके? सो आपके लिए देख लीजिए आपके दिल में कितना ज़्यादा प्यार मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत इमोशंस आपके कनेक्टेड हैं इस पर्सन के साथ। सो लवर्स वाली एनर्जी आपको आती है, आपको ऐसा लगता है कि यही इंसान आपका सोलमेट पार्टनर है। आपको ऐसा फील होता है कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इसकी तरफ आपके लिए आपका, और एक जो आपके दिल में प्यार आता है ना इसको लेकर के, हो सकता है वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इसको आपके लिए ही भेजा है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप किसी के लिए फील करते हो, प्यार किसी के लिए फील करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि भले ही ये इंसान आपके साथ हो या ना हो, लेकिन दिलो दिमाग में 24 घंटे ये इंसान छाया रहता है ना? भले ही आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हो या ना होता हो, लेकिन बिना बोले आप उनके दिल की बात समझ जाते हो। सो इतना डीप लव आप करते हो, ओके? सीधा लवर से फाइव ऑफ वॉन्ड। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या मिनिमम कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि कुछ लेटेस्ट टाइम में, कुछ पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कोई नो कॉन्टैक्ट आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड, देखो जो भी हुआ है उसके सब के बावजूद आप इस पर्सन से बेइंतहा प्यार करते हो, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके दिल में इसको लेकर के। सो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीयूनियन कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो उस इंसान के लिए, आप पकड़ के रखना चाहते हो, आप नहीं छोड़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, आप नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता किसी भी वजह से, किसी की भी वजह से टूटे या ख़राब हो। एफर्ट्स डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो चीज़ें ठीक करने की, चाहते हो आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए और रीयूनियन हो जाए आप दोनों का। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली यहाँ पर अभी निकल करके आई थी, जेमिनी, मिथुन राशि। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको वेटिंग पे रखा हुआ है, या फिर आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। सो आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। कई बार हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं,
कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो कई बार आप भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, कुछ ना कुछ इश्यूज आप दोनों में हुए हैं अभी करंटली। लेकिन हाँ, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके दिल में है इस पर्सन के लिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है आपको इसको लेकर के कि ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, ये इंसान आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ओके, जो भी आपके पार्टनर ने आपसे बोला है ना, उससे आपका दिल बहुत टूट गया है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो अभी जो भी आपके पार्टनर ने आपसे बोल दिया है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपकी हर्ट हुई हैं, राइट, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन को लेकर के, प्यार बहुत डीप है आपका इसको लेकर के। हो सकता है आप कमिटमेंट मांग रहे हो, पर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, प्रॉमिस मांग रहे हो लेकिन ये आपको प्रॉमिस नहीं दे रहे हैं, राइट। सो आप तो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इन्होंने अभी आपको होल्ड पर रखा हो, राइट, हो सकता है इन्होंने आपको अभी कोई आंसर ना किया हो। ओके, सो टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्कमीन, वृश्चिक राशि आई है। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आपको एक कंप्लीशन का फीलिंग्स आती है, आपको प्यार भरी फीलिंग्स आती है जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो या इसके साथ होते हो। सो बहुत ही आप दोनों का रिश्ता मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। ओके, एंड हो सकता है आप दोनों का रिश्ता अभी कुछ टफ फेज से गुजर रहा है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स दे रही हैं आपको। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, हो सकता है कोई आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, कोई भी हो सकती है, जो भी आपके सिचुएशन में है उसको इमेजिन कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी तरफ से तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक नेक्स्ट स्टेप आए, राइट, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हो, बट हो सकता है आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते को नाम देने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, हो सकता है कुछ वेट कर रहे हो, राइट। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी किस एनर्जीज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ज़रूर हैं, लेकिन अभी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि लड़ाइयाँ भी हुई हैं अभी किसी बात को लेकर के, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई हैं। अगर लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं भी हुई है आप दोनों की, तो भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है आप दोनों में, राइट। सो देख लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन अभी किस बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड सबसे पहले आया है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ थोड़े से मुझे स्ट्रेस, परेशान और प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओहो, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वॉन्ड भी आ गया यहाँ पर, जस्टिस आया है, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एट 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 नंबर रिपीट हो रहा है, सो एट नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड द एम्प्रेस। ओके, सो देखिए एट नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो देखिए ये कार्ड्स ये बता रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, राइट। अभी हाँ कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इनके ऊपर, राइट। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये अधूरापन है इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो खुशियाँ ये ढूंढ रहे हैं ना, वो अभी तक इनको मिली नहीं है। सो कई बार नेगेटिव हो जा रहे हैं, कई बार इनके दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल भी आ रहे हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने को स्ट्रेस फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, राइट। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। सो काफ़ी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, राइट। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हो, जिसकी वजह से अभी ये अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं,
उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के जितना आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे यहाँ पर, राइट? हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो आपके पार्टनर, बहुत करेजियस पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें इनकी लाइफ में हैं जो इनको ऐसा लगता है कि उतने मच्योरली इस चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं जितना इनको करना चाहिए। तो क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट? और हो सकता है आपके पार्टनर आपके सामने नहीं दिखाते हों, अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ ब्रोकन भी फील कर रहे हैं, टूटा हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, खुद को डिप्रेशन में भी दिखाई दे रहे हैं, अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। आपकी यादों में घिरे हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पर अभी हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस इनकी ऐसी हैं कि ये सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में अटके हों, राइट? हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी लोगों से कम्युनिकेशन चल रहा है इनका, बातचीत चल रही है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इनके आसपास हैं, लेकिन उन सब लोगों में ये अकेलापन फील करते हैं। कई बार कॉन्फिडेंट होने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जा रहा है। कुछ तो है इनके दिल में, कुछ तो है इनके मन में जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। खुद को पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शांत बनाने की रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन इस हंसी के पीछे, इस खुशी के पीछे बहुत ज़्यादा दुख छुपा हुआ है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल या फील कर पा रहे हैं, आपको इमेजिन करते रहते हैं सारा टाइम, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा इनके थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इनकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुद को बदलना चाह रहे हैं, राइट? और ये चाह रहे हैं कि अब जो भी सही है वो आपको मिले, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। हो सकता है इन्होंने पहले आपके साथ गलत किया हो, आपको इग्नोर किया हो, आपको कुछ बोला हो, आपसे कुछ गलत तरीके से बिहेव किया हो, आपका दिल तोड़ा हो, बट अब उस चीज़ के बारे में गिल्टी होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुद में बदलाव लेकर के आ रहे हैं, इनके अंदर चेंजेस भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर हो सकता है आपको पहले कमिटमेंट नहीं दी है, पहले आपको वेटिंग पे रखा है, बट अभी यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। सो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशंस इनके अंदर चल रहे हैं, राइट? सो अगर आप कमिटमेंट नहीं दी है तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और फील भी कर पा रहे हैं और आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है? आपको वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए हैं पास्ट में, नहीं बता पाए हैं अपने दिल की बात। हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही हो आप दोनों के रिश्तों में, पहले जैसी बात ना रही हो अभी आपके रिश्तों में, लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं। सो आपको अप्रोच करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है इन्होंने, वो खुद को आपकी तरफ बढ़ता हुआ फील भी कर पा रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ी सी परेशानी है और उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं जो अभी आप तक आने से रोक रही है इनको, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कर रहे हैं आपके लिए। उनको ऐसा लगता है ना कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो और आपका जो रिश्ता है वो परफेक्ट तो है लेकिन ऑब्स्टिकल्स से भी भरा हुआ है, राइट? और देखिए, अगर आप डेफिनेटली अगर आप अपना प्यार चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है, क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि अभी ये कुछ टफ़ टाइम से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका ये जो टफ़ टाइम है ये ख़त्म होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपने हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ों को इग्नोर किया हो, आपने इनको वेटिंग जोन में रखा हो, या फिर आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, या फिर अभी आप ही पहले इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, अभी आपने ही इतने सीरियसनेस दिखानी बंद कर दी है। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस में शिफ्ट होती जा रही हैं। सो शुरुआत में हो सकता है आप दोनों का रिश्ता अच्छा ना चल रहा हो, या फिर किसी और वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, लेकिन ये अभी अपनी लाइफ पर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी
प्रॉब्लम से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको ये विश्वास है कि इनकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए भी और आपके साथ रिश्तों को लेकर के भी। सो आपके साथ रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस कैसे निकलेगा। अगर आपको होल्ड पर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि आपको भी चीज़ें और प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी बात को लेकर के उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है तो उनके लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं है, राइट? सो क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर उनको हैंडल करनी पड़ रही है ये थर्ड पार्टी, राइट? हो सकता है आप इजीली हैंडल कर पा रहे हो, बट उनके लिए वो चीज़ आसान नहीं है इस थर्ड पार्टी को या सिचुएशन को हैंडल कर पाना। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वाओ, उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके बेस्ट पार्टनर हो, आप ही उनके सोलमेट पार्टनर हो और आपके बिना अब उनका रह पाना, जी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो आप कहीं ना कहीं उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते हो, बहुत ही लॉयल इंसान लगते हो, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ दुनिया की सारी खुशियाँ उनको मिल सकती हैं, बट थोड़ा आपके अंदर पेशेंस की कमी उनको दिखाई देती है, जो उनको लगता है कि अगर वो आपको इतना अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको भी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो जिस भी सिचुएशन से वो अभी डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अकेले ही इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली ये कार्ड यही बता रहा है कि खुद की फीलिंग्स आपकी तरफ शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं और अब आपके रिश्तों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके पेन को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और आपके प्यार को भी वो समझ पा रहे हैं। सो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे और अपने प्यार का इजहार आपसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा। सो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाकर के आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ज्वाइन कीजिए और आप बाकी की रीडिंग्स देखिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।